दिल्ली में 31 मई को शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। कोरोना के कम होते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल का फैसला। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले कोरोना मरीजों के परिजनों को 5 लाख तक का मुआवजा, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए है पूरा इंतजाम, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा किसी भी अस्पताल में नहीं है बेड की कोई कमी। दिल्ली में 31 मई से फैक्ट्रियों में शुरू होगा काम, कंस्ट्रक्शन के काम में भी एक हफ्ते के लिए दिल्ली वालों को मिलेगी छूट। वैक्सीनेशन पर बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कांग्रेस ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाया था। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीनेशन पर गड़बड़ी है, भारत में दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेशन का काम पूरा होगा। कोरोना पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष सरकार का दुश्मन नहीं, कोरोना पर सरकार को आगाह करता रहा, सरकार कोरोना को समझ नहीं पाई। वैक्सीनेशन पर भी राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा वैक्सीन पर रणनीति नहीं बनी तो कोरोना नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि अब तक केवल 3% को वैक्सीन लगी है, ऐसे ही अगर चलता रहा तो 2024 तक सबको टीका लग पाएगा। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भारत को लेकर दिया विवादित बयान, कहा भारत महान नहीं भारत बदनाम है। मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है वैक्सीनेशन को लेकर। हाईकोर्ट ने 4 जून को जवाब देने को कहा। बच्चों को वैक्सीनेशन मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने 12 से 17 साल के बच्चों के लिए तुरंत वैक्सीनेशन शुरू करने की मांग की है। देश में कोरोना से राहत की खबर, 44 दिन में कोरोना के सबसे कम मामले आए सामने, 24 घंटे में 1,89,000 मामले। देश में रिकवरी रेट 90.34% तक पहुंची है, 1 दिन में 2,59,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में 24 घंटे में 3,660 लोगों की मौत हुई है, अब तक 3,18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना काल में भारत के लिए अच्छी खबर है, भारत में जल्द आएगा कोरोना के 99% खात्मे वाला नेजल स्प्रे। कनाडा की कंपनी सेनोटाइज ने किया दावा, 99.99% कोरोना वायरस को खत्म कर देना नाक में डालने वाला स्प्रे। कंपनी का दावा है कि भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में केवल वैक्सीनेशन से नहीं मिलेगी मदद, हम जल्द इसे भारत में लॉन्च करेंगे। कोरोना काल में जारी है आर्मी का ऑक्सीजन अभियान, अलग अलग देशों से आ रही है ऑक्सीजन। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ऑक्सीजन लेकर उतरा सेना का विमान। हरियाणा में 15 जून तक बढ़ाई गई सभी स्कूलों की छुट्टियां, शिक्षक और स्कूल स्टाफ के लिए रोस्टर के तहत खुलेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी होगा एंटीबॉडी कॉकटेल इंजेक्शन का ट्रायल, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण माना जा रहा है इंजेक्शन। तेलंगाना के पेड़ापल्ली में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के पुलिस हुई है सख्त, उल्लंघन करने वालों और सड़क पर घूमने वालों की कर रही है धरपकड़। पेड़ापल्ली में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को पुलिस सजा दे रही है, पकड़ने के बाद सबको भेजा जा रहा है आइसोलेशन सेंटर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में SDRF की टीम ने पेश की है मानवता की मिसाल, कोरोना संक्रमित 82 साल की महिला को रेस्क्यू कर पहुंचाया अस्पताल। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, या साइक्लोन से हुए नुकसान का लिया जायजा। पीएम मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ बैठक की है, या चक्रवात से हुए नुकसान पर हुई है चर्चा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चक्रवात प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, तूफान से मची तबाही का लिया जायजा। यूपी के जगदीशपुर में स्मृति ईरानी ने ट्रॉमा सेंटर का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन समेत जरूरत की सभी मशीनों को भी खरीदने का निर्देश दिया। किसान नेता राकेश टिकैत की जी हिंदुस्तान को धमकी, जी मीडिया के ऑफिस के बाहर धरना देने का किया ऐलान। राकेश टिकैत ने मीडिया सेल ने ट्वीट करके धमकी दी है, किसानों को भड़का करके मीडिया पर हमले की साजिश। खबर दिखाए जाने के बाद राकेश टिकैत का मीडिया सेल घबराया, मीडिया सेल के हेड सौरभ उपाध्याय ने धमकी वाला ट्वीट किया डिलीट। भारतीय किसान यूनियन ने 25 मई को भी इसी हिंदुस्तान को दी थी धमकी, लिखा न्यूज चैनलों का इलाज होगा, अगला टारगेट तुम्हारा ही हो। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज से यूपी के सभी टोल प्लाजा पर शुरू किया धरना, रोहाना टोल को किया ब्लॉक।
मुजफ्फरनगर के छपरा टोल पर किसानों ने शुरू किया है धरना। आज से यूपी के सभी टोल प्लाजा पर धरने का किया गया ऐलान। आंदोलन को लेकर नहीं रुक रही है राकेश टिकैत की धमकी। कहा केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो पूरे देश में होगा चक्का जाम। जिमर टोल पर बेअसर दिखी राकेश टिकैत की धमकी। वहां ना के बराबर रही किसानों की संख्या। टोल पर चक्का जाम का कार्यक्रम पड़ा फीका। मेरठ के दरोरा टोल प्लाजा पर लगातार बढ़ रही है किसानों की संख्या। नहीं हो रहा है कोरोना गाइडलाइंस का पालन। किसान बिल के खिलाफ धरने पर बैठे। हैदराबाद से सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी गिरफ्तार। एनसीबी ने ड्रग्स केस में पकड़ा। सुशांत के साथ फ्लैट में रहता था सिद्धार्थ। बारहवीं की परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। कहा केंद्र सरकार सीबीएसई आईसीएसई का भी पक्ष जरूरी है। 31 मई को फिर होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील कुमार की मां की याचिका को खारिज किया है। कोर्ट ने किसी भी प्रकार का कोई आदेश जारी करने से इनकार किया। याचिका में सुशील कुमार पर मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस ने याचिकाकर्ता की मांग का किया विरोध। सागर हत्याकांड में सुशील कुमार का एक और साथी रोहित करोर गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई दिनों से तलाश थी। वारदात वाले दिन सुशील कुमार के साथ मौजूद था रोहित। वीडियो में वीरेंद्र और रोहित सागर पर हमला करते दिखे। दिल्ली पुलिस को कुछ और लोगों की तलाश है। अभी अब तक सुशील कुमार समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील झूठे बयान दे रहा है। बयान में सुशील कुमार ने कहा, मैंने सागर धनखड़ को नहीं मारा। सूत्रों के मुताबिक बयान में सुशील कुमार ने कहा कि पहलवानों के दो ग्रुप आपस में लड़ रहे थे। मैंने पहलवान के एक ग्रुप को समझाने की कोशिश की थी। मेहुल चौकसी के भारत आने पर असमंजस गहराया। पूर्वी केरेबियाई सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। चौकसी के वकील ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, प्रत्यर्पण पर लग सकती है रोक। भगोड़े कारोबारी मेहुल को एंटीगुआ से भेजेगा डोमिनिका। इससे पहले डोमिनिका ने चौकसी को बताया भारतीय नागरिक। नारदा केस में टीएमसी नेताओं को मिली अंतरिम जमानत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। पीएम मोदी ने वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें किया नमन। ट्वीट करके लिखा, महान सेनानी और राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को कोटि कोटि नमन। वीर सावरकर की जयंती पर सीएम योगी ने भी दी श्रद्धांजलि। लिखा, वीर सावरकर को नमन श्रद्धांजलि। राजस्थान के भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर हमला। बीजेपी सांसद की गाड़ी पर हुआ पथराव। भरतपुर में स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर घर लौट रही थी बीजेपी सांसद। पूरे मामले में पुलिस ने मामला किया दर्ज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के एनजी और सीएम केजरीवाल को पत्र लिखा। केजरीवाल पर लगाए तिरंगे का अपमान करने का आरोप। संस्कृत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि ऐसा लगता है कि तिरंगा सम्मान नहीं सजावट के लिए लगा है। सफेद रंग का हरा ज्यादा दिखता है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। एम्बुलेंस बेड वेंटिलेटर ऑक्सीजन दवाइयों पर जीएसटी वसूलना असंवेदनशीलता। यूपी में अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत से हड़कंप मचा। गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में शराब कांड पर सीएम योगी सख्त हुए। दोषियों पर लगेगा एनएसए। संपत्ति नीलामी पर पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा। आबकारी और गृह विभाग के अधिकारी भी तलब किए गए। रांची में ताची नदी पर बना पुल हुआ है ध्वस्त। करोड़ों रुपए खर्च कर करीब 3 साल पहले हुआ था पुल का निर्माण। यास तूफान के कहर के बाद ओडिशा के बालासोर में जारी है राहत और बचाव का कार्य। राहत सामग्री लेकर के पहुंचा सेना का हेलीकॉप्टर। सबसे पहले यहीं टकराया था तूफान। बिहार की राजधानी पटना में मूसलाधार बारिश से पानी में डूबी सड़कें। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। यूपी के कासगंज के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीन को लेकर के अफवाह। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ हाथ छुड़ाकर भाग रहे हैं ग्रामीण। यूपी के हाथरस में ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य केंद्रों का हाल बेहाल। पशुओं को बांधने के साथ सुखाए जाते हैं गोबर के। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके दक्षिण बस्तर में कोरोना वायरस के दस्तक। जारपल्ली गांव में 20 से ज्यादा लोगों को मिले संक्रमित होने की सूचना। बिहार के कटिहार के ठाकुरवाड़ी मंदिर से श्री कृष्ण और रुक्मणी की अष्टधातु की मूर्ति चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश आजाद और वारा गिरफ्तार हुआ। यूपी के गोंडा में मिट्टी के अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की छापेमारी। एसडीएम की छापेमारी से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुल से छत्तीसगढ़ के 4 बच्चे बंधक मुक्त किए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दी जानकारी। पंजाब के पावटा साहिब की दवा कंपनी पर पुलिस का छापा। अवैध तरीके से बनाई गई 30 लाख नशीली गोलियां मिली। 15 करोड़ की प्रॉपर्टी सील की गई। उन्नाव सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया।
हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास का नाम आने पर भड़की बीजेपी, का बदले के तहत की जा रही है कार्रवाई। सरयू राय बोले, जांच से ही सामने आएगा सच। दुमका में उत्पाद विभाग ने मारा छापा, 1500 पेटी विदेशी शराब के साथ 35 ड्रम स्पिरिट बरामद किया गया। बिहार में खपाने की थी योजना। रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने अकाली दल को दी नसीहत, सुखबीर बादल और विक्रम मजीठिया इस्तीफा दें तो बच सकती है पार्टी। सुखबीर के तानाशाह रवैये के चलते हाशिए पर अकाली दल। एमपी में काम पर लौटेंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्य मंत्री से मांगे पूरी होने का आश्वासन, मिलने के बाद स्थगित की है हड़ताल, सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। आरबीआई की रिपोर्ट में कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमी पर बुरे असर का जिक्र, लेकिन पहली लहर के मुकाबले नुकसान कम होने की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल फिर हुआ महंगा, $59.46 प्रति बैरल पर पहुंचा कच्चा तेल। UIDAI ने बंद की ऑर्डर आधार रिप्रिंट सेवा, पीवीसी आधार कार्ड के लिए करना होगा ऑनलाइन ऑर्डर। गूगल और जियो मिलकर के बनाएंगे किफायती फोन, पिछले साल जियो में गूगल ने किया था निवेश। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस 5 जुलाई को छोड़ देंगे सीईओ का पद, एंड्रू जेसी बनेंगे कंपनी के नए सीईओ। मेगा बजट फिल्म RRR की रिलीज डेट अनिश्चितकाल के लिए टली, कोरोना के कारण अभी तक पूरी नहीं हुई है फिल्म की शूटिंग। इश्ताज फिल्म के मालिक आदित्य चोपड़ा लॉन्च करेंगे अपना OTT प्लेटफॉर्म, बनाएंगे ओरिजिनल कंटेंट भी। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की मदद करेंगे कपिल शर्मा और भूमि पेडनेकर, लगाए जाएंगे ऑक्सीजन बस। अमेरिका ओपन आयरिस ने ठुकराए बोल्ड सीन के ऑफर, बोली शो बेचने के लिए जबरदस्ती जोड़े जाते हैं सीन। आमिर की बेटी इरा खान ने अगत्सु फाउंडेशन किया है लॉन्च, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करेंगे। इसराइल ने पाकिस्तान को दी नसीहत, कहा जो खुश शीशे के घर में रहता है उसे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। कोरोना महामारी के चलते न्यूयॉर्क में नौकरियों की भारी कमी है, खास करके रेस्टोरेंट और क्लब्स में काम करने वाले तेजी से हो रहे हैं बेरोजगार। वैक्सीनेशन पर जागरूकता फैलाने के लिए अमेरिका के ओहियो में लॉटरी का ऐलान, वैक्सीन लगवाने वाले 5 लकी लोगों को हर हफ्ते मिलेंगे $10,00,000, पहली विजेता बनी महिला इंजीनियर। कैलिफोर्निया के रेल यार्ड में मारे गए लोगों के परिजनों का छलका दर्द, सनकी बंदूकधारी ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करके 9 लोगों की जान ले ली थी। नाइजीरिया के केबी में नाव डूबने से बड़ा हादसा हुआ, करीब 200 लोगों को लेकर जा रही थी नाव बीच नदी में पलटी, लापता लोगों की तलाश जारी। सीरिया में बशर अल असद चौथी बार बने विजेता, 95% से ज्यादा वोटों के साथ एक बार फिर बने हैं सीरिया के राष्ट्रपति। कुत्ते और इंसानों के बीच वॉलीबॉल मैच का वीडियो वायरल, कुत्ता इतनी परफेक्टली खेल खेल रहा है मानो कोई ट्रेंड प्लेयर हो। बैरिकेडिंग तोड़ करके पार्किंग एरिया में घुसी तेज रफ्तार बाइक, दुकान के बाहर खड़ी महिला बाल बाल बची। साइकिल स्कूटर से जंपिंग मैच के दौरान हुआ हादसा, बैलेंस बिगड़ने से सड़क पर औंधे मुंह गिरा खिलाड़ी। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, तेज रफ्तार कार और एम्बुलेंस में हुई जोरदार टक्कर। रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ जबरदस्त हादसा, ट्रेन की चपेट में आए क्रॉसिंग पर खड़े ट्रक के उड़े पर खर्चे। नदी में अचानक आई बाढ़ से बर्बाद हुआ पर्यटन स्थल, नदी किनारे मस्ती करते लोग आए लहरों की चपेट में। स्टूडियो पर युवक को साइकिल से करतबबाजी पड़ी महंगी, रेलिंग में फंसकर मुंह के बल गिरा युवा। तेज रफ्तार बाइक सवार को ओवरटेकिंग पड़ी महंगी, कार से टकराने के बाद आया ट्रक के पहियों के नीचे।